उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत की नई दरें जारी की गई हैं। विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, साथ ही उच्च खपत की दरों में कमी की गई है। स्लैब में बदलाव कर हर वर्ग के उपभोक्ता को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। हर्ष का विषय है कि विद्युत की दरों में 50 पैसे से लेकर के 1 रुपए तक की कमी आने के इस बार निर्णय लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का भी मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ऊर्जा विभाग के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और हमारे सभी कर्मचारी संघों को भी मैं साधुवाद और बधाई देता हूं, जिनके अच्छे कार्य के चलते, ऊर्जा विभाग की सक्षमता के चलते इस बार जो हमारे टैरिफ है उसमें आयोग ने बहुत भारी कमी की है। हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि हमारी जो लगातार जो हमारी सक्षम बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें निरंतर उसमें उससे संतोष व्यक्त करते हुए विद्युत नियामक आयोग ने इस बार 22-23 की जो दरें लागू की हैं वो पिछले साल की अपेक्षा भी काफी कम है। और इतना ही नहीं बल्कि कई जो स्लैब थे लगभग 80 स्लैब को घटा करके 59 स्लैब कर दिए गए हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं को बहुत जो कन्फ्यूजन होता था, वो जो बहुत इधर उधर भटकना पड़ता था कि कहां मुझे कौन सा स्लैब लागू पड़ेगा, उसमें से कमी करके बहुत ही सरलीकरण कर दिया गया है। और ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न दरों में विभिन्न स्लैबों की जो दरें थी उनमें भारी कमी आई है। सभी जगहों पे ये दरें लागू पड़ती हैं, जहां हमारे विद्युत विभाग की बिजली जाती है उन सभी दरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सभी जगह ये इसका असर पड़ेगा। और इसमें राज्य सरकार की सब्सिडी भी बरकरार है, इसलिए भी हमें कमी इसमें देखने को मिलेगी। और विशेष रूप से जो सक्षम व्यवस्था है, जो हमारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, उसके चलते भी आयोग ने उन सब चीजों की नोटिस लेकर के विद्युत की दरों में कमी बताई।